हेलो दोस्तों, मैं सफीक राय सब्जी मंडी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 28 मई 2024 को जानेंगे आलू के भाव। ये देखिए आलू लगा हुआ है, आलू जो है बिक चुका है लाल और काटनर सब बिक गया है। ये देखिए एक सोना लगा हुआ है बढ़िया क्वालिटी का माल, सब बढ़िया आता है। जो बढ़िया माल होता है तुरंत बिक जाता है, अच्छा माल सबसे पहले बिकता है। और जो 19-20 होता है माल वो बेचने में दिक्कत है, रेट भी डाउन होता है उसका। बढ़िया माल तुरंत बिकता है, जैसे सैंपल खोला नहीं कि माल बिका। ये देखिए राजेंद्र वन लाल लगा हुआ है, सब बढ़िया क्वालिटी के 19-20 आ रहे हैं माल। जैसा माल होता है वैसा भाव होता है। ये देखिए जो है गाड़ी भी खाली हो चुकी है, आसिम मोहम्मद चाचा के पास आएँ आज। अच्छा क्या रेट दिया चिप सोना? सोना 22 रुपये का भैया, बढ़िया वाला, बढ़िया नंबर एक। और कार्टनर क्या दी थी? कार्टनर भी 22 रुपये बेचा सुपर। और राजेंद्र वन क्या? राजेंद्र वन 20-21। 20-21 सफेद का क्या चल रहा है? सफेद बिका 18 रुपये। 18 रुपये का डाउन हुआ का कुछ? बिक्री कम है ना, बिक्री कम है। मोबाइल नंबर बताइए आप। 770-86-907 ये मोबाइल नंबर है आसिम मोहम्मद चाचा का, जिनको आलू के लिए संपर्क करना हो संपर्क कर सकते हैं। ये भाव जो है 19-20 यही डेली का भाव जो चल रहा था वही चल रहा है, जैसा हर दिन चल रहा है। अभी बढ़ोतरी कोई नहीं है, माल जो है बारिश वारिश हो जाए तो हो सकता है कुछ जो है ट्रेड में बढ़ोतरी आए, क्योंकि सब्जियां इतनी सस्ती 3-4 रुपये किलो 5 रुपये किलो सब्जियां चल रही हैं, जिसकी वजह से रेट नहीं बढ़ रहा है। ये देखिए सब माल हरी सब्जियां भी लगी हुई हैं, बहुत सस्ता माल है। इसके बाद वीडियो सब्जियों का डालेंगे, आप देख सकते हैं कितनी सस्ती सब्जियाँ हैं, जिसकी वजह से रेट आलू का भी नहीं बढ़ रहा है। अगर बारिश होती है तो हरी सब्जियाँ जाएँगी, सब थोड़ी कम पड़ेंगी, महंगी होंगी तो आलू का रेट भी हो सकता है बढ़े 10-15 दिन में। बारिश के आसार हैं अभी इस समय कि 10-15 दिन में हो सकता है बारिश का कुछ मामला बने, जिसकी वजह से सब्जियां जाएंगी, हरी वाली जो है कुछ कम पड़ेंगी तो आलू का रेट हो सकता है बढ़े। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन डेली का आसानी से पहुँचे और डेली का वीडियो आसानी से देख सकें।